खाली रोड छोड़ के हम लोग ट्रैफिक में जा रहे हैं, जाएंगे इसमें, हम इसमें जाएंगे। हम लोग ओल्ड हाईवे में ही जाएंगे आज। लग चुके हैं ओल्ड हाईवे में, पुणे गोवा पंजिम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो होपफुली यू लाइक द व्लॉग ऑफ बांद्रा लेक। वो एक डे ट्रिप था ड्रोन सीखने के लिए, तो आज हम फिर से निकल पड़े हैं। कहाँ निकल पड़े मुझे नहीं पता, होपफुली आपको पता है। फिर से पता नहीं है कि कहाँ जाना है। तो इतना पता है कि हम लोगों को बहुत भूख लगी है। हाँ। सुबह के हो रहे हैं ऑलमोस्ट 10 एंड मैकडी जाएंगे सोच के है ना, हम लोग नाश्ता ही नहीं किया आज। चलिए देखते हैं, थोड़ा मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे साइड में जाएंगे, नॉट नेसेसरी एक्सप्रेस वे में भी वी कैन गो टू ओल्ड हाईवे। धक्कों से निकलते हुए हम पहुंच चुके हैं कौन से फ्लाईओवर में, कलवा वाले फ्लाईओवर में पहुंचे। फ्लाईओवर पे यहाँ फ्लाईओवर बनता हुआ दिख रहा है, पता नहीं कुछ नाम तो बता सकते हो ये कौन सा। ये एग्जैक्टली सीमेंट्स के बाजू में है। हाँ। पता नहीं क्या कनेक्ट करेगा, ये दिखाओ इधर सीमेंट्स है, सीमेंट्स ऑफिस के बाजू में एक फ्लाईओवर बन रहा है। हाँ, बट ये जो लोकैलिटी है ना, ये लोकैलिटी मेरे को बहुत पसंद आता है, मेनली ग्रीनरीज के वजह से। ये एक्चुअली अच्छा जगह है, एरोली अच्छी है, बट यहाँ पे रेसिडेंशियल बहुत कम है ना। हाँ, ये पार्ट में तो माइंड स्पेस के साइड में ऑफिसेस ही ज्यादा है। आगे दिख रहा है बेलापुर, बेलापुर गोवा, गोवा चलते है रिया, गोवा चलते है, क्रिसमस भी आ रहा है, क्या बोलती हो? नहीं चलते है यार, वैसे भी अपने गरम मसाला वो जो है ना इलायची विलायची खत्म हो गया है, गोवा से तो लाते है ना इलायची, आपको पता ही होगा। तो बहुत ट्रैफिक क्रॉस करके हम पहुंच गए मैकडी में फाइनली। तो नाश्ता करते हैं, अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैक ब्रेकफास्ट, और मैंने तो कॉफी लिया है, हमने कॉफी भी नहीं लिया है, बर्गर हैश ब्राउन। अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि अभी भी कहाँ जाना है। मैं सोच रहा हूँ एक्सप्रेस वे लू की ओल्ड हाईवे लू, क्योंकि अभी देखो ये साइड में है, एरोली साइड में है। अरे अरे किसी की शादी होने वाली, देखो कहाँ पे। हाँ मस्त सजा है, ग्लोबली इतनी अच्छी सेल की हुई गाड़ी है, बट मुझे जिम्नी ओनर के ऊपर थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि गाड़ी 16-17 लाख की बिक रही थी जिन्होंने खरीदा, एंड मारुति ने अभी ना इसका 2-2.5 लाख से प्राइस कम कर दिया। सेल नहीं हो रहा है क्या ये कटे हुए? ये पता नहीं इंडिया में उतना पसंद नहीं कर रहे लोग, थार का दबदबा ज्यादा है अपने यहाँ पे। और ट्रैफिक आप देखो, मतलब इंसान निकले तो रात छोड़ के निकलने का टाइम ही नहीं है, मतलब लुनावला के लिए भी आप रात को ही निकले हैं ऐसा लग रहा है। ऐसा ही लग रहा है। अब जाके मेरे को लग रहा है थोड़ा सा है ना ट्रैफिक से निकले हैं। कैमरी मस्त लग रहा है ना। हाँ यार, मेरे को आज सुबह से दूसरी बार दिख रहा है कैमरी, ये तो पुरानी वाली कैमरी है। हाँ, मेरे को एक थाने में दिखी और आज एक नवी मुंबई में दिखी है। प्राइस हाई है, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, इंडियन रोड्स के लिए थोड़ा मुश्किल है, बट सिटी में चलने के लिए ना इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स। खाली रोड छोड़ के हम लोग ट्रैफिक में जा रहे हैं, जाएंगे इसमें, हम इसमें जाएंगे, हम लोग ओल्ड हाईवे में ही जाएंगे आज। जहाँ तक मिलता है ओल्ड हाईवे में ही जाएंगे। और देखो लोग एक्सप्रेस वे छोड़ के यहाँ ज्यादा हमारे साथ। लग चुके हैं ओल्ड हाईवे में, पुणे गोवा पंजिम इधर ही है, बट बार बार आज गोवा देख के ना मुझे गोवा जाने का मन कर रहा है, आज हमको गोवा याद कर रहा है। हाँ चले क्या नेक्स्ट वीकेंड गोवा में, देखो देखो क्या कर रहे हैं ऑटो वाला गाड़ी। तुमने मुझे बात को ध्यान नहीं दिया, मैंने तो बोल दिया है मेरी तरफ से हाँ है गोवा के लिए, हमेशा हाँ है, हमेशा हाँ है। चलते हैं चलते रे, नेक्स्ट वीकेंड गोवा चलते हैं। क्या करेंगे वैसे भी घर पे बैठ के, छुट्टी तो है ही अपने पास ना क्रिसमस की। ये साइड थोड़ा सा टर्न लेने के लिए तकलीफ हुआ, बट ये साइड का हाईवे भी अच्छा ही बना हुआ है, मतलब मैं आया था कामशेट पैराग्लाइडिंग के टाइम पे। हमने ना अभी कार्ला केव्स के तरफ डायरेक्शन लगाया था और हमको ओल्ड हाईवे लेना था करके हम ये बाइक लगा रहे हैं, जैसे ये बाइक वाला रहता है ना तो ये वाला एरर दे रहा है, कार प्ले ऑनली, कार करते हो तो ये पकड़ रहा है, बाइक नहीं, गलत है ना, बाइक वाला पकड़ना चाहिए ना। ये हमने आज नया डिस्कवर किया ये चीज, ये पता नहीं था मेरे को। तो अभी सीन यू हुआ कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले अगर आप गाड़ी से कनेक्ट करते हो तो आपका बाइक वाला जो ऑप्शन है गूगल मैप में वो सिलेक्ट होगा ही नहीं। तो अभी हमारा सेटअप कैसा है, इधर आप क्या कर सकते हो, ब्लूटूथ में ऑडियो कनेक्ट करके मैप सुन के जा सकते हो, बट जैसे ही आपने एंड्रॉइड या एप्पल कारप्ले चालू किया तो नहीं होगा। तो अभी हमारा सेटअप है गाने के लिए, यहाँ पे हमने आईफोन लगाया है और मेरे फोन पे एंड्रॉइड पे मैप अलग से चल रहा है,
बाइक वाला। तुम सही बोलते हो, हम लोगों को एक और हैंडसेट लेना पड़ेगा। हमें वही बोल रहा था ना, हम लोग एक गाड़ी का हैंडसेट लास्ट टाइम भी लेंगे लेंगे करके रह गए। ओवर चार्जिंग में दोनों का सेल फोन बहुत गर्म हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, एक गाड़ी के लिए ना एक 7-8 हज़ार का सस्ता सा एंड्रॉइड फोन लेके गाड़ी में डाल के रखेंगे। पंजी ब्राइट दिखा रहा है 546। गोवा याद आ रहा है यार बार बार। NH66 के लिए और ये ओल्ड पुणे हाईवे, हम लोग सीधा जाएंगे 108 किलोमीटर यहाँ से। पुणे है, पुणे यहाँ पे है ना, थोड़ा सा कॉन्जेशन तो है बट व्यूज भाई इसको है ना, पनवेल बाईपास टोल रोड। तो ये मुंबई जाने का रास्ता है, याद है हम लोग एनडी स्टूडियोस के वहाँ से जब आते हैं ये रोड लेते हैं। तो ये वही है, नया फ्रॉन्क्स खरीदा है। कांग्रेचुलेशंस। सुंदर लग रहा है यार। देखो एक्सप्रेसवे में जाते तो थोड़ा सा फास्ट जा सकते थे बट यहाँ की जो नजाकत है। ये मोंटेरिया विलेज जो लेफ्ट में दिख रहा है ना, ये देखो 1.5 किलोमीटर में लेफ्ट। ये भी मतलब यहाँ पे भी डे ट्रिप के टाइप की एक्टिविटीज होती है। अच्छा, डे ट्रिप भी होता है, आप स्टे भी कर सकते हो यहाँ पे, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी बहुत होते हैं। ओके हाँ, एक्चुअली ये एरिया में काफी कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं क्योंकि रिसॉर्ट्स के साथ व्यूज मिलते हैं ना। हाँ, ऐसा लग रहा है जितना शूट करूँ कम है और डे ट्रिप के हिसाब से। हाँ, बीइंग नॉन रेनी सीजन काफी सीनिक है ये हाईवे। तो स्लाविया का कंट्रोल मुझे इतना मस्त लग रहा है ना कर्व्स में, क्या बताऊं। खालापुर के बाद है ना ये थोड़े थोड़े से पैचेस दिखने लगे हैं, बैड रोड का झलक है ये। और इधर व्यू है लेफ्ट साइड में, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। लेकिन हम जाएंगे कहाँ रिया, कालरा केव्स तो लगा है, वहाँ जाना है कि अट्रैक करना है केव में। पॉइंट तक जाते हैं, हाँ क्या बोलते हो, चलते हैं फिर पॉइंट तक चलते हैं। लंच कहाँ करे, लोनावला के अंदर घुसने की मन नहीं कर रही है। लोनावला के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि सुपर ट्रैफिक होगा अभी। एग्जैक्टली, हम लोग कालरा वो एक मंदिर भी है ना, वो अगर देख सके। चलो देखते हैं, लेकिन 12:30 हो गया तो शायद बंद भी हो जाए। अभी खंडाला भी पहुंचे नहीं, 15 किलोमीटर बाकी है खंडाला। दिस इज द ट्रैफिक, करंट ट्रैफिक सैटरडे का, सैटरडे की दोपहर उल्टी भी गाड़ी आ रही है। स्टैचू यहाँ पे शिवाजी महाराज कई पहले टाइम का होगा ना, ये पत्थर की बनाया है उन्होंने। नहीं नहीं पहले टाइम का नहीं, वो अभी लुकिंग फील दे रहा है, हिस्टोरिकल वाड़ा जैसा कुछ होगा यहाँ पे। ये स्टोन्स देखने से वो वाला फील आता है। लेट्स गो स्लो। तो हम चल रहे हैं खंडाला घाट की तरफ और बहुत टाइम बाद इस घाट में आके है ना भाई, बहुत टाइम बाद इस घाट में आके बहुत मजा आ रहा है। कर्व्स इतना मस्त लगता है ना, वाओ। जाने से इसको मिस करते हैं हम लोग। रेसिडेंशियल कॉलोनी है, ऐसा जगह पे घर बना ले तो मजा आ जाएगा। हाँ यार, पहले आना चाहिए था मुंबई तो शायद इन्वेस्ट कर सकते थे। अभी अपने पास तो वैसे ही नहीं है दिनचर्या के, नहीं तो हम ट्रैवल कैसे करेंगे। देखा रोड्स का सर्किट कैसा। हाँ, लग रहा है। सही है ना, क्या है 2.5। अच्छा यहाँ ट्रक अलाउड नहीं है, मेरा कान बंद हो गया है, बहुत चढ़ गया ना ऊपर। क्या रुक सकता है यार, रुक के देख सकते हैं। स्टॉपिंग अलाउड नहीं है, लोग रुकते हैं। चलो अभी चलते हैं आगे, यहाँ पे नहीं रुकते। देखो क्या पोज है, अरे बाबा। अभी ना वॉक करते हुए आए हैं, गाड़ी कहीं और लगा के। वो देखो एक्सप्रेसवे,
हम हमेशा उसी से जाते हैं और वहाँ पे स्लो मूविंग ट्रैफिक और अपन कितना फास्ट आए अभी। अभी हम लोग पूजा हो गया है हमारा। हाँ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अभी बज रहे 3 और ये क्या था, शौर्य वाड़ा। तो शौर्य वाड़ा के अंदर ये किसको, गाय को सहला रही थी तुम? हाँ, मैं हम्बा को सहला, वो गाय है बेसिकली। मतलब वो थीम थोड़ा किसान के ऊपर है, वो रेस्टोरेंट का थीम ऐसा मुझे लगा। हाँ, और वहाँ पे है ना हमने मस्त रोटी चिकन खा लिया एज यूजुअल। और अभी पता नहीं क्या करेंगे, मुंबई जाएंगे, देखते थोड़ा आगे जाते। कालरा केव या कालरा केव्स लगाया था, वो तो 12 मिनट पे, सोच रहे वहाँ से एक बार राउंड मार के गाड़ी जहाँ तक जाता है। ट्रैकिंग कौन करेगा अभी, है ना? ट्रैक तो बिल्कुल भी नहीं। अभी काफी स्टेज ऑप्शन है, तो आपको अगर आके लोनावला में रहना है तो आप रह सकते हो, तो आप यहाँ स्टे कर लो और फिर नेक्स्ट डे जाके अच्छे से ट्रैक वेक करके वापस आ जाओ। इसका एक्चुअली टाइमिंग है इस कालरा केव्स का, सब कुछ एक वीरा करके दिख रहा है मुझे। देवी टेम्पल है शायद, देवी टेम्पल शायद फेमस है। हाँ, वहाँ पे टॉप में ना, पहाड़ के टॉप में एक मंदिर जैसा ही दिख रहा है, वहाँ तक तो जा ही सकते हैं ना। क्या हो गया, किस चीज का रोक है? ये शायद पार्किंग का ही खर्चा होगा कुछ। तो हमसे अभी 50 रुपए का टिकट लिया गया है। टिकट मिला नहीं, मैं उधर दिया, टिकट मिला नहीं। ग्राम पंचायत का टिकट देंगे हमको, ग्राम पंचायत। हाँ भैया, टिकट पे, टिकट 50 रुपए बोल लिया, बोले टिकट आप दोगे? ऊपर कितना तक जा सकते हैं, केव तक जा सकते हैं क्या? अच्छा, ग्राम पंचायत का ये, ठीक है, ओके, चलो चलते। मांगना पड़ता है, नहीं तो 50 रुपए जेब में जाता हुआ दिख रहा था। बहुत ही स्टीप लग रहा है ना। हाँ, टू व्हीलर पार्किंग है। जगह दे दो भैया। तो जाके देखते हैं कहाँ तक जाया जा सकता है, आपको बताते हैं। फिर फोर व्हीलर पार्किंग, फेयर व्हीलर में बोल रहा हूँ, अपना हिंदी भी ना। बट पता नहीं कैमरे में कितना आ रहा है, बट अपहिल तो बहुत स्टीप है। गाड़ियाँ काफी है, मतलब लोग आते हैं यहाँ पे, आते हैं, बट कोई भी चीज अनसीन नहीं है अब महाराष्ट्र में लगता है। राइट, एक लंबे से क्यू में है जो यहाँ पे पार्किंग है ना, पार्किंग के ऐसे 7 नंबर गाड़ी थे, एक गाड़ी निकला फिर 6 हुए, एक गाड़ी और निकला तो हम 5 नंबर पे आए। शायद अपना बाड़ी आ गया, ये वाला गाड़ी 50 रुपए तो आगे निकल रहेगा, 50। सीनियर सिटीजन आ रहे हैं ना, मुश्किल होगा, बहुत स्टीप है। मुर्गा उड़ सकता है? हाँ, क्यों नहीं उड़ सकता। तो इसी तरह हमारा आज का दर्शन भी हो गया है, केव दर्शन, केव दर्शन हो गया है, और टेंपल भी बाहर से देख ही लिया है। तो जो स्टेयर्स है ना, स्टेयर्स बहुत ही स्टीप है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो मैंने एक दो वो पालकी टाइप का देखा है, तो उसको ढूंढ के है ना पालकी से ही जाओ, क्योंकि स्टेयर्स ऐसे है ना, वो काइंड ऑफ ट्रैकिंग जैसा है और हमारे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, तो ये एक चीज का ध्यान रखना। और अदरवाइज जगह तो मस्त है एक्चुअली, बुद्धिस्ट एंशियंट टाइम का कुछ लग रहा है केस, उतना हिस्ट्री मुझे पता नहीं। आप में से किसी को अगर पता है ना तो आप इसके बारे में डाल दो, मैं कमेंट पिन कर दूंगा। नो डाउट इट्स लाइक थोड़ा सा इतना लोनावला हम लोग आए, कभी ये साइड कभी लोनावला का एक्सप्लोर नहीं किया है, तो आज फर्स्ट टाइम हम लोग ये साइड आए हैं और बहुत अच्छा लगा आके। एंड और मंदिर भी 9 बजे तक ओपन है, तो आप शाम को भी आके दर्शन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और केव शायद 5 बजे तक ओपन है, और एंट्री टिकट इज 25 रुपीज़ फॉर इंडियंस,
और विजिटर्स के लिए इट्स 300 फॉरेन विजिटर्स के लिए। तो ये अभी है ना, हम लोगों का पेशेंस लेवल है ना खत्म हो गया, तो इसलिए हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हुए ना एक्सप्रेसवे की तरफ चल रहे हैं। तो वी हैव टेकन अ रैंप, करीब 5 किलोमीटर आए हैं वहां से और रैंप मिल गया हम लोगों को। दैट्स लोनावला एक्सप्रेसवे। अच्छा, ये पुणे का, ये मुंबई का, आपको ये देख के पता चल गया होगा हम एक्सप्रेसवे की स्पीड में है। डोंट वरी, ब्रेक तो पैर में है और सनसेट भी हो रही है उधर बाजू बाजू में। और तो रिया, कैसा लग रहा है एक्सप्रेसवे में आके? बहुत अच्छा, ऑनेस्टली सच में बहुत सीनिक है, नो डाउट, बट यार जल्दी तो यही पहुंचाएगा हमको। हां, एनीवेज वो फन था आज मॉर्निंग में जो हम लोग किए। आप एक कर सकते हो, एक साइड ओल्ड हाईवे और एक साइड आप एक्सप्रेसवे, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। थोड़ा सा एडवेंचर भी हो जाएगा और रिटर्न में थोड़ा सा टाइम भी बचा सकते हो। देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑन रोड अहेड। ऑब्जेक्ट नहीं है वो, तो ट्रक खड़ा है। क्या सनसेट है ना। हां यार, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों के लिए बता दूं, सिंस मैं काफी टाइम बाद ही एक्सप्रेसवे में आ रहा हूं, ये बहुत सारे है ना स्पीड कैचर्स लगे हुए, सो लिमिट में ही चलाओ तो अच्छा है। ये देखो 9 मिनट का ट्रैफिक, ये टोल का ट्रैफिक है, टोल का ट्रैफिक है यार। लिफ्ट टू ड्राइव कौन से का बोला था तुमने? ये टीम बीएचपी का। तो ये जो ओवरऑल ट्रिप था पुणे हाईवे का, बहुत अच्छा था। ऐसे एक लेजी वीकेंड डे पे है ना, आप डे ट्रिप करना है तो निकल सकते हो। आजकल स्टेकेशन इतना महंगा हो गया है ना, मैं देख रहा था पुणे साइड में, मेरे को 6,000 के नीचे कुछ अच्छा स्टे मिल ही नहीं रहा था। एंड ऊपर से आज संडे को कुछ काम था, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो डे ट्रिप ही करके आते हैं। एंड जो मेरा कंक्लूजन यही है ना कि अगर आपको कभी भी लोनावला का जो ट्रैफिक है वो अगर बहुत ज़्यादा मिलता है और आप देखते हो कि थोड़ा सा ओल्ड हाईवे से थोड़ा सा फास्टर रूट दिखा रहा है खोपली एग्जिट लेके, तो ले लो। बट पूरा ओल्ड हाईवे से सेंस नहीं बनता है अगर आप टाइम के रश में हो तो। और अगर आपको व्यूज भी एंजॉय करना है ना, एटलीस्ट आप शेडंग या खोपली एग्जिट लेके फिर ओल्ड हाईवे के तरफ जाओ। जो हम लोग तो पूरा वैसे ओल्ड हाईवे में गए थे, तो अपना एक्सपीरियंस अलग ही था, ट्रैफिक प्लस सीनिक रूट्स। बट एक चीज है, ओवरऑल पूरा महाराष्ट्र में, पूरा महाराष्ट्र तो नहीं बोलूंगा, मेजरली मुंबई, थाना, नवी मुंबई, इतना काम साथ में हो रहा है ना, मतलब रोड में भी गाड़ी चलाने के लिए इतना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। आप मतलब रात को भी निकलो, दिन को भी निकलो, कभी भी निकलो, ये ट्रैफिक तो आपको परेशान करेगी। तो ये एक पेन है हमारा, होपफुली ये जितने जल्दी से जल्दी रिस्टोर हो तो बेटर है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। इंस्टा पे आप हमको फॉलो कर सकते हो और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। एक्चुअली मैं देख रहा था हार्डली कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल ओनली सब्सक्राइब अस जो हमारा वीडियो देखते हैं, आप एक स्टैट देखो। चलो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट ब्लॉग आ रहा है स्लाविया का, जो थर्ड सर्विस का एक्सपीरियंस और कॉस्ट वगैरह के बारे में। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, टिल देन बाय।